वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव किड्स। अगर आप सोच रहे हो कि बच्चों की राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें, तो सबसे पहले आपको प्री राइटिंग स्किल पे फोकस करना चाहिए। बच्चों की रिस्ट स्ट्रेंथ, उसके बाद में फाइन मोटर स्किल्स, ये जब डेवलप होते हैं, ये जब अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे, उसके बाद में बच्चों को राइटिंग करना सिंपल और आसान लगता है। तो आज मैं आपके साथ प्री राइटिंग सिंपल एंड हैंड ऑन आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो पूरा देखिए। आज हम प्री राइटिंग के एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं, जो कि ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिनकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो अच्छे से सीधे से लाइंस नहीं निकाल रहे, या उनको राइटिंग करना अच्छा नहीं लग रहा है। जो लर्न तो सब कर लेते पर राइटिंग नहीं कर पाते, या फिर उनकी सिटिंग लेवल कम रहती है, तो वो सब इम्प्रूव करने के हिसाब से आज हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों को ऐसे चॉक्स देने हैं जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जो बच्चों को पकड़ना आसान जाता है। तो उनको सीधा सा देना है कि लाइंस खींचने लगानी है, स्टैंडिंग लाइन। बच्चों को मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट आता है, इसलिए वो अच्छे से करते भी है। और इससे बच्चों के हाथ को एक बार ग्रिप पकड़ती है तो आगे चल के उनको राइटिंग करना आसान लगता है। वेरी गुड। स्लिपिंग लाइन, मैंने यहाँ पे उसको पूरा ब्लैंक पेज दिया है। पहले कम से कम 1 मंथ के लिए तो भी बच्चों को पूरे ब्लैंक पेज पे ही काम करवाना है। ब्लैंक नोटबुक्स लाइए या ब्लैंक पेज पे करिए, पर पूरा ब्लैंक ही देना है। करो और करो, और इसकी प्रैक्टिस बच्चों की कम से कम 8 दिन तो भी करानी है, ताकि बच्चे एक बार अच्छे से स्क्रिबलिंग करने लग जाए तो उनका बेस अच्छा होता है, और बेस अच्छा हुआ तो फिर आगे सिखाते टाइम, राइटिंग कराते टाइम ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देख रहे हैं, जो कि है टेंसिल। तो ये टेंसिल बाहर मार्केट में भी मिलते हैं, अमेजोन पे भी मिलते हैं, पर अगर हमें घर पे करना है तो पहले कोई भी कार्ड शीट लेना है, उसको शेप में कट करना है। और ये क्यों करना है, क्योंकि बच्चे अभी फिलहाल सिर्फ वो लाइंस खींचना सीख गए, तो अब उसी लाइंस को उनको एक बॉर्डर देनी है कि उतनी ही इसमें उनको जो कुछ करना है, जो स्क्रिबलिंग करनी है वो करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो बच्चों के हाथ को ग्रिप आएगी और साथ ही साथ उनके शेप्स वो भी कवर हो जाएंगे। तो अब इस पे कैसे करना है मैं दिखाऊं। ये देखो, ये जो शेप है, ठीक है, ये जो शेप है इसके अंदर आपको जैसी लाइन खींचनी है वैसे आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपको स्टैंडिंग लाइन निकालनी है या स्लिपिंग लाइन निकालनी है, आप निकाल सकते हो। इसी के ऊपर करना है। चलो स्टार्ट। सो सॉरी, करो न्यू पेज। हाँ करो जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। तो इसके इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके ये जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बाहर उनकी लाइंस नहीं जा रही है, तो उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। हाँ करो अच्छे से, फटाफट फटाफट करना है। हाँ बच्चों के हाथ में पहले आया कि वो उनके हिसाब से, उनके मन से करना चाहते हैं, तो उनको उनके हिसाब से करने देना है। इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू 8 से 15 दिन लेनी है, तब जाके बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से होती है। करो अच्छे से, करो लाइंस खींचो अच्छे से, बड़ी बड़ी। ये देखो निकालो। वेरी गुड। धीरे धीरे, यहाँ इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ वेरी गुड। यस, यहाँ पे मेरा, वहां पे तेजस का। यस वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप लिया था, एक सेकंड रुको बेटा। तो ये कौन सा हो गया, सॉरी रेक्टेंगल लिया था, ये शेप कौन सा हो गया, रेक्टेंगल है कि नहीं। हाँ वैसे हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है, उसके बाद में ये वाला है, स्लीपिंग लाइन भी हो सकती है, स्टैंडिंग लाइन भी हो सकती है, ये स्क्वायर है, तो हम जो चाहिए वो शेप्स ले सकते हैं। पर बच्चों को कैसे इनोवेटिव चाहिए रहता है कि हर पल उनको अलग अलग चाहिए रहता है, तो किसी दिन आप ट्रायंगल लीजिए, कभी आप स्क्वायर लीजिए, और वैसे उनको एक्टिविटी करने दीजिए ताकि वो बोर ना हो जाए। इसके अंदर करना है आपको, यस वेरी गुड। इससे बच्चों की सीटिंग पावर भी बढ़ती है, सीटिंग लेवल एक बार बच्चों की बढ़ गई तो फिर वो आगे चल के राइटिंग में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। ओके, यस ट्रायंगल बन गया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, सर्कल निकालना है। क्या निकालना है? सर्कल, यस। तो बच्चों के पहले ही इसमें बहुत अच्छे से सर्कल आएंगे ऐसा नहीं है, ये जो तेजस कर रहा है ऐसे ही बच्चे करते हैं, तो उनको करने देना, यही एक्टिविटी मेन है कि जिसकी वजह से बच्चों के हाथ को ग्रिप आती है। उसके बाद में लाइंस, कप, सर्कल, हाफ सर्कल, इसकी साइड को जाना है पहले। कभी भी ये एक्टिविटी जरूरी है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो ये देखा कि हमें लाइंस पहले बच्चों को देनी है, ब्लैंक पेपर यूज करना है, ब्लैंक पेपर पे उनको पहले लाइंस देनी है, फिर वो स्टैंडिंग लाइन निकाले या स्लीपिंग लाइन निकाले, उनका मन करे उतना वो निकालने दीजिए, क्योंकि यही स्क्रिबलिंग जब करते हैं बच्चे तो उनका मेन ग्रिपिंग का काम उसमें कवर अप हो जाता है। उसके बाद में क्या करना है, अब बच्चों को यहाँ पे मन चाहे जैसे चाहिए वैसे उनको लाइंस खींचने के लिए हमने दिया था, अब उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो स्क्वायर है टेंसिल यूज करी है, यह टेंसिल कैसे बनानी है वो मैंने आगे पहले बताया है। अब ये देने की वजह से क्या हुआ कि उनको समझ में आ गया कि इतने ही इसमें निकालना है, इससे बाहर गया जाना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो बॉर्डर रहती है उसकी वजह से बाहर गया कि ध्यान में आ जाता है। और नेक्स्ट सर्कल, उनसे सर्कल की प्रैक्टिस करवानी है, वेरी गुड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम